महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पिंडर घाटी के शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। शिवरात्रि के महापावन पर्व पर पिंडर घाटी के तमाम प्रसिद्ध शिव मंदिरों में आज तड़के से ही शिव भक्तों का मंदिर में आना जाना लग रहा है। शिव मंदिरों में पहुंचकर शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर चढ़ाकर पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना भगवान आशुतोष महादेव से मांगी। पिंडर घाटी में जहां दूरस्थ क्षेत्रों वाले हिस्से मंदिर में हजारों शिव भक्तों ने अपने आराध्य देव महादेव के दर्शन कर पंडाल में लगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कर्ण भूमि कला मंच के कलाकारों ने लोगों का जमकर मनोरंजन किया, तो वहीं स्थानीय महिला मंगल दलों ने भी अपने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से वाहवाही लूटी। नारायण बगड़ प्रखंड के सुप्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर देवीधुरा में भी शिव भक्तों ने आज सुबह से ही मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी। जी भंडारी है, मैं बहुत दूर के गांव से आई हूँ मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ के। मैं यहाँ अपने परिवार के साथ बहुत श्रद्धा भक्ति से आ रखी हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। हमने अंदर लाइन में भगवान जी की पूजा की, अंदर भगवान जी के दर्शन किए, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई कि हमारे इस नारायण बगड़ के बीच एक इतना भव्य इतना सुंदर मंदिर है भगवान शिव जी का। हमें बहुत खुशी हुई कि आज हम यहाँ पे भगवान जी के दर्शन करने आए और हमने यहाँ पे बहुत सारी मन्नतें मांगी हैं भगवान जी से। हम उम्मीद करते हैं कि भगवान जी हमारी मन्नतें पूरी करेंगे। आस्था के जो लोग आस्था से यहाँ पे आते हैं भक्त, उनकी मनोकामना यहाँ पे जरूर पूरी होती है। सुबह से यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे अपनी मन्नतें मांगने आए हैं, भगवान जी के दर्शन किए और अच्छे वो लेके और अपनी मनोकामना जो लेके आए और खुशी खुशी यहाँ से वो गए हैं। और आज रात जो अखंड दीप जागरण का जो प्रोग्राम है उसमें अभी तक हमारे पास 4 जोड़े आ चुके हैं और उन सभी की व्यवस्था मंदिर समिति भी यहाँ पे करती है और वो अखंड ज्योति में बैठेंगे। वो निसंतान जो दाम्पत्य हैं तो वो पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पे बैठते हैं, तो निसंदेह सभी की मन्नत यहाँ पे पूरी होती है। जो पिछले साल भी जो यहाँ पे बैठे थे तो वो भी आज संतान उनको प्राप्ति है। और मृत्युंजय महादेव का तो बहुत बड़ा अपने में एक नाम है, जिससे कि हमारे पूरे क्षेत्र में हम भी काफ़ी उत्साहित होते हैं कि हम क्षेत्रीय जनता से निवेदन यही करेंगे कि आप अधिक से अधिक संख्या में आप हमसे जुड़ें, हमारे भगवान जी से जुड़ें, मंदिर से जुड़ें। जितने लोग जुड़ेंगे उतने मंदिर उतना जल्दी तैयार होगा, जितने लोग जुड़ेंगे उतना अंश हमें प्राप्त होगा। ऐसा कि हो रहा है तो एक तरफ से एकता का परिचय भी हमारे गाँव वालों के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, कि लोग जो दान स्वरूप अपने जितना भी उनसे हो सक रहा है, चाहे वो 11 रुपए हो, चाहे वो अधिक से अधिक कितना भी दे रहे हैं, तो वो उनका जो प्यार झलक रहा है मंदिर के प्रति, जो धर्म की भावनाएं बढ़ रही है, तो उससे वो जो मंदिर के लिए उन्होंने दान दिया है, तो ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है कि हम बिना सरकारी सहायता के अपने स्वयं के प्रयास से हम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। आज रात्रि को जागरण करके आप जागरण में शामिल होने वाले हैं? हाँ जी, बिल्कुल हम जागरण में शामिल होंगे। जो हमारे साथ दूर दराज से आए हैं, पहले से भी कई यात्री रात को, चाहे किसी विषम परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति, तो इसमें जागरण भगवती का और भगवान शिव के जो है उसकी पूजा अर्चना होती है और यहाँ जागरण करते हैं इसमें।